85 प्लस अटेम्प्ट क्या कहते हैं? और रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग नॉर्मल है, साइंस टफ है। साइंस थोड़ी टफ है और बाकी जीके जीएस करंट लेटेस्ट आ रहा है। करंट बिल्कुल लेटेस्ट कब का आ रहा है? 28 मई तक का है। 28 मई तक का करंट आ रहा है और साथ ही साथ मैथ्स मैथ्स नॉर्मल है। मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल है। रीजनिंग भी नॉर्मल है। साइंस में केमिस्ट्री ज़्यादा है, केमिस्ट्री ज़्यादा है। बायो केमिस्ट्री में रिएक्शन से रिलेटेड कौन से? अच्छा, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे? 20 में से 7-8 क्वेश्चन। तो भैया 7-8 प्रश्न तो केमिस्ट्री के हैं 25 में से, ठीक है। बायो से? अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन से कुछ याद आपको साइंस के? क्वेश्चन फिजिक्स में अपने लेंस के क्या क्वेश्चन है? लेंस और इसके लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, समतल दर्पण और। अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड कितने क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा जानना जरूरी है साइंस के अंदर? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। ओम का नियम आ गया करने वाले अभी देखिए। तो क्या नाम है आपका? तो भाई एक सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन बेस्ड एक फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओम का नियम पूछा और कुछ नहीं। तो साइंस में आप बोल रहे हो कि जैसे टफ है, तो टफ कैसे लगा आपको? एक क्वेश्चन के अंदर चार चार क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन के जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी प्रॉपर्टी का क्या बताया, बोला का पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन था, उसके अंदर सब चार चार क्वेश्चन, एक सीधा पटवारी में। अच्छा, एक सीधा क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर डीप में दे रहा हूं। तो 85 अटेम्प्ट किए आपने, कितने अटेम्प्ट क्या बात है? तो अच्छा, सबसे पहले मैं एक एक करके जानता हूं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था? नहीं था, नहीं था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। और काउंटिंग ऑफ फिगर ज्यादातर चार से पांच क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था कि एनटीपीसी का सिनेरियो रहने वाला है, दुनिया कहती रही कि सर नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं आएगा, लेकिन कितने क्वेश्चन थे? पांच क्वेश्चन। रीजनिंग किससे पढ़ी है भाई? हमने घड़ी के क्वेश्चन है, एक क्वेशन एंगल निकालना। और इसके अलावा बताओ, और दो लाइन दे रखी थी उसमें ना, कैमरे में देखिए, दो लाइन दे रखी थी, एक लाइन दो क्वेश्चन थे। उसने कुछ प्रतीक दे रखा था, उसके आगे पीछे किसम है, सम है, ऐसे कुछ बुझ रहा कितने हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और पूछूंगा, लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? दो चार क्वेश्चन भाई, स्टेटमेंट अजम्पशन से रिलेटेड। तीन क्वेश्चन थे, दो से तीन क्वेश्चन सिलोज्म के भाई। सीधे प्रतीक वाले भी क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, प्रतीक वाले डायरेक्ट के भी क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में 25 में से 25 अटेम्प्ट करके आए हैं, 30 में से 30 अटेम्प्ट करके आए हैं, तो सही है ना? और मैथ्स के अंदर तो भाई साहब बड़े आप शानदार पेपर रहा है, ठीक है। और मैथ्स हो या रीजनिंग हो, बहुत ही इजी देखने को मिली है। साइंस के दो तीन क्वेश्चन अपन कह सकते हैं कि टफ है, ठीक है। और करंट आ रहा है बिल्कुल 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट करंट, 21 का भी। साइंस में पहले कौन थे? सीईजी है ना, नागेश्वर। उससे पहले कौन थे? एक तो यह था, और एक मई 2022 के अंदर ही ये ना अपना लोकपाल, क्योंकि प्रमुख किसे बनाया गया है वो क्वेश्चन था। मई 2022 का लोकपाल का प्रमुख अब किसे बनाया गया? मई 2022 का आंसर है। किलोमीटर को किलोमीटर में बहुत इजी यार। और एक क्वेश्चन था साधारण ब्याज का, उसमें क्या था? डेट दे रखा था, क्या दे रखा? दिन दे रखा था। और दो डबल डेट कह सकते हैं ना अपन, चक्रवर्ती ब्याज का भाई साहब एक भी प्रश्न नहीं आया है सेकंड शिफ्ट वाले, लेकिन ध्यान रखना आएगा। आईआई के दो क्वेश्चन थे, और डीआईटी एक दो क्वेश्चन थे, एक वेन डायग्राम का, तो उसमें जाता ना वो, उसमें गर्ल्स देखी थी, एक में बैडमिंटन। वेन डायग्राम कौन सा, मतलब वाईफाई स्टडी साहब, उसमें दे रखा था नंबर डाल रखा था, तो पूछा था गर्ल्स कितनी है, तो मतलब क्लास 20 क्लास 20 सही बताना था भाई, तो कौन सा सही है ये बताना था। वेन डायग्राम से रिलेटेड था, ऑप्शन भी दे रखे थे, उनमें से कौन सा बिलोंग करता है। एक वेन डायग्राम का आपने पूछा यार, मैं सिरोज का जो आंसर भी याद है भाई को, क्या आंसर था? 27 27 आंसर। और उसमें एक था, उसमें जो ये होता है ना,
नॉन वर्बल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए? नॉर्मल 5-7 क्वेश्चन उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। कितने अटेम है? 80 अटेम है, और इससे पहले 85 अटेम है। तो मैं मान लूँ लगभग 80-70 फुट अटेम मान लूँ, 75 तो सभी करके आए होंगे। 75 तो कितनी लाइन के, कितने लंबी लाइन? 3-4 भाई। ये भाई भी कह रहे हैं कि पेपर तो इजी था ओवरऑल, अगर मैं तो रीजनिंग की बात करूं तो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। सिर्फ साइंस की मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी लोड़ा सा लेवल है उसका, बाकी जीके करंट अफेयर्स वगैरह जो है बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। करंट जितने आने चाहिए ना उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे सर। करंट जनवरी से जून 2000। और कोई बच्चा जो एग्जाम देके आया हो वो ऑल जीके ना, वो बिल्कुल बताइए। और कार्यों से मत सर, कौन सा चैनल है आपका? अपना रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल है, क्लास 24 चैनल है, वहां से अलग हो गया। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज जो तुम्हें टफ लगी हो? अवसान के ना 2-3 क्वेश्चन है, नॉर्मल है, लेकिन अवसान के 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ब्लड से कितने क्वेश्चन? ब्लड का एक भी क्वेश्चन, विटामिन वगैरह से भी एक ही क्वेश्चन भाई, ब्लड से एक क्वेश्चन नहीं है, विटामिन से एक क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या क्या है ये बता दो। चल रहा है यूनिट पूछी किसी की, मेजरमेंट वगैरह किसकी क्या इकाई है, कुछ नहीं आया। साइंस के अंदर सांस लेते ना अपन, उसमें कौन रोकता है सांस? सांस को कौन रोकता है? मतलब कहने का मतलब है कि अपन कह सकते हैं ओवरऑल कि नॉर्मल ऊपर मतलब ऐसा भी नहीं था ना कि जो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन लगाओ कि नहीं जो समझ में ना आया? नहीं, बिल्कुल इजी पूरे पेपर के अंदर। ये बताओ बिल्कुल सही क्वेश्चन था सर, वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड था, शायद ही कोई 2-5% बच्चे कर पाएंगे। क्या था, किससे रिलेटेड था वो? कुछ फूड दे रखा था, नंबर दे रखा था, और उसकी मुझे 4-7 दे रखी थी। अच्छा, वजह से अगर सेकंड नंबर पे विषम आता है तो आप उसको सम में कन्वर्ट करना है, ऐसे कुछ। ये तो बैंक के अंदर आते हैं ये वाले, कि इसका कोड ये होता है, लेकिन वो उसमें भी आइडेंटिफाई करता है। एक बार ऐसा निर्देशन करता है तो पी बड़ा है, क्यू से क्यू छोटा है, वो ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो आइडेंटिटी वाला। वो तीन चार वेन डायग्राम के आए थे, वेन डायग्राम के आते हैं। और एक दो एनालॉजी क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन आया? क्लासिफिकेशन में भाई 5-7 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा साइंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज से कोई क्वेश्चन? चक्रवर्ती ब्याज से साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन था, एवरेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? और उससे मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन था, एक था, एक 3 सेंटीमीटर की एक टंकी थी, ठीक है, उसमें 3-5 आर की त्रिज्या का एक नल लगा हुआ है, पानी डालेगा वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी आ रहा है, भाई को एक एक क्वेश्चन याद है, तालियां बजा दो एक बार इसके लिए। क्वेश्चन आया था, अब मैं आपसे जो जो पूछूंगा उसका जवाब देते जाना। क्यूब एंड डाइस से एक क्वेश्चन, एक या दो? ओपन डाइस या क्लोज डाइस, बंद पासा या खुला पासा? एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया। अच्छा भाई, पासे से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, हटा दो। ब्लड रिलेशन से आप बोल रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं है,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन थे, इसके अलावा इनइक्वलिटी ग्रेटर देन लेस देन से एक क्वेश्चन था, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से आप बोल रहे हो कि पांच प्रश्न, ठीक है, चार से पांच प्रश्न थे, एनालॉजी यानी कि एक एक का रिलेशन बी से है और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक नया अपन को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने का मिला, ठीक है, नया प्रश्न है वो भी अपन बच्चे अगर लिखेंगे तो अपन कर लेंगे, इसके अलावा आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि लॉजिकल रीजनिंग जिसके अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष से संबंधित दो तीन प्रश्न कथन और निष्कर्ष से थे, लेकिन वो सिलोज्म के थे कि लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल वाले थे ना, ठीक है, और सिलोज्म वाला न्याय वाक्य, एक क्वेश्चन था सर, सभी पेन एक क्वेश्चन क्लोक से, कैलेंडर से, कैलेंडर से एक प्रश्न क्लोक हो गया, 8:45 पर कितने डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री, और इसके अलावा दोस्तों आप मुझे बस इतना सा बता दें कि अपने जो वो टॉपिक है जो है ना नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, कुछ नहीं आया, रोटेशन वगैरह कुछ नहीं आया, सर एक क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा पत्ती का एक डायग्राम दे रखा है, एक लीफ जो है पत्ती होती है पेड़ की पत्ती, उसके अंदर क्या क्या होता है उससे संबंधित आपको चीजें पूछी गई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों ने बोला कि 80-85 तो ये सभी बच्चे करके आए, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो इसका मतलब आप भी लगभग मान के चलिएगा कि इतना स्कोर तो करना ही है, पेपर काफी इजी आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है साइंस के जो आपको मॉडरेट लग सकते हैं, बाकी आप फोड़ के आने वाले हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्यों भाई, बिल्कुल सर, तो एक बार क्या कहना चाहोगे अपने व्यूवर्स को, मतलब आने जो सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, आप आराम से पेपर करना, टाइमिंग का कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा, आराम से आधा घंटा बचेगा, बस स्पीड के चक्रों में उस क्वेश्चन को कर रहे हो जिसको बिगाड़ मत देना, बस आराम से करना, स्लोली, मतलब आराम से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बोली है कि स्टार्टिंग के 20 मिनट में पहले इजी क्वेश्चन कर लो, फिर 50 मिनट में उन प्रश्नों को कर लो जो आपको समझ में आ गए हैं, और जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं वो लास्ट के 20 मिनट जो आपके बचेंगे ना उनमें भी देख सकते हो। एक चीज बताना चाहूंगा टीसीएस की, क्योंकि इसमें पहले तो आधार क्वेश्चन होने की बात थी, आधार क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि उसको बाईपास कर दिया गया, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं लेकिन फिंगरप्रिंट आधार कार्ड से मैच कराए नहीं रहे, वो बाईपास हो गया, वो आधार कार्ड से लिंक, आधार कार्ड से लिंक कराने की बात थी, 2-4-5 क्वेश्चनों का हुआ, फिर प्रॉब्लम आने लगी तो आगे से बात हुई ना टीसीएस वाले, तो उन्होंने बाईपास ही कर दिया, यानी आधार कार्ड का विवरण ही नहीं हुआ, उन्हें मुंह के लगा है और वो लड़का डमी भी बैठ सकता है, ये सबसे बड़ी गलती हुई है टीसीएस की। दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं, एक तरीके से सवालिया निशान यहाँ पर, मैं सर एक बात कहूंगा, मुझे लगा 80% है ना ये पेपर कैंसिल हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, सेकंड शिफ्ट में नहीं हुई, मतलब आधार का वेरिफिकेशन हुआ नहीं और अंगूठा लगा रहे हैं, अंगूठा बाईपास अंगूठा लगा नहीं तो आधार का नहीं, आधार से मैच करवाते हैं और ये फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, तो इसी को तो मैच नहीं हुआ, मैच आधार कार्ड नंबर, अरे वो उनके पास है बेटा, अंगूठा लगा नहीं, ठीक है, वो अपन उस कंट्रोवर्सी में अपन नहीं जाएंगे, वो ठीक है, मैच हुआ है वो दिखाया उसके अंदर बायोमेट्रिक हुआ है, कायदा अगर अंगूठा लगाए तो इसका मतलब बायोमेट्रिक हुआ है, वरना अंगूठा लगाते ही क्यों, सही है, आपको ऐसा लग सकता है, बाकी ऐसा है, तो चलिए दोस्तों बाकी सारी व्यवस्था सही है, ये सभी बच्चे हैं, ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट आपको आपके भविष्य के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और जम के मेहनत करते रहिए, चलिए मिलते हैं स्टूडियो से, और बाकी पूरे शिफ्ट का जो एनालिसिस है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और ऑल शिफ्ट एनालिसिस रात को 9 बजे, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर और क्लास 24 चैनल पर, थैंक्स।